विजन का 365 पर्यावरण क्लास करने जा रहे हैं। लेक्चर वन है, आज से स्टार्ट किया जा रहा है। भारत पर पहला जो टॉपिक है, भारत और जलवायु कार्रवाई। ठीक है, भारत और जलवायु परिवर्तन एक नज़र में देखने जा रहे हैं। वहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि भारत पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव वर्ष 1901 से 2018 की अवधि में औसतन तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की गई है। वर्ष 1951 से 2015 की अवधि में उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर समुद्री सतह के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। आगे देखा जाए तो 1970 के दशक में हिंदू कुश हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर्स के विस्तार में 15% की गिरावट आई है। वर्ष 1951 से 2015 की अवधि में ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा में 6% की गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 1950 से 2015 की अवधि में स्थानीयकृत भारी बारिश के घटनाओं की आवृत्ति में 75% की वृद्धि हुई है। प्रति दशक 1951 से 2016 से सूखा प्रभावित क्षेत्र में 1.3% वृद्धि हुई है। कितना? 1.3% वृद्धि हुई है 1951 से 2016 में सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में 1.3% वृद्धि हुई है। आगे देखा जाए भारत के लक्ष्य। भारत के लक्ष्य में देखा जाए तो पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान संबंधी लक्ष्य वर्ष 2005 के स्तर में उत्सर्जन की तीव्रता में 30-35% की कमी आई है। वर्ष 2023 तक 40% बिजली गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न होगी। वृक्षों और वन आवरण के माध्यम से 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक सृजित करना। COP26 ग्लासगो में पंचामृत की घोषणा की गई, उसमें 2070 तक भारत निवल शून्य नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा। भारत वर्ष 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 50 गीगावाट तक बढ़ाएगा। भारत वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के 50% पूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के माध्यम से करेगा। वर्ष 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करेगा। भारत अब से लेकर वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करेगा। उपलब्धियां या प्रगति। उत्सर्जन में वर्ष 2005 के स्तर से 28% से अधिक कमी हासिल की गई। कुल संस्थापित विद्युत क्षमता का 40% गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से हासिल किया जा रहा है। मई 2022 में गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 166.7 गीगावाट थी। कुल वन और वृक्ष आवरण भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। कितना? कुल वन और वृक्ष आवरण भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। योजनाएं, नीतियां, ये सब आगे देखा जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय अनुकूलन कोष और जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम CCAP, राष्ट्रीय पवन सौर हाइब्रिड नीति, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, राष्ट्रीय अपघटीय पर पवन ऊर्जा नीति, हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया नीति आदि, ये सब सारी योजनाएं आगे देखा जाएगा। सोलर
रूफटॉप कार्यक्रम, अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड स्कीम, कार्बन टैक्स, उज्ज्वला, उजाला, फोम इंडिया, सॉरी फेम इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय में है आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA और आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन। इसमें जो बाधाएं आ रही है, बाधाएं में आपका ऊर्जा के लिए कोयले का निर्भरता, निवल शून्य जीरो उत्सर्जन को कम करने के लिए, आपको प्रदूषण को कम करने के लिए कोयला एक बाधा के रूप में उत्पन्न हो रही है। अक्षय ऊर्जा की संस्थापक क्षमता की खपत बढ़ाने पर सीमित ध्यान दिया जा रहा है। क्षेत्रीय प्रतिबद्धताओं का अभाव, वित्तीय बाधाएं, विकासशील देशों को $1 ट्रिलियन के जलवायु वित्त आवश्यकता होती है। जलवायु मिशनों के कार्यान्वयन से जुड़े मुद्दे, जैसे अंतर मंत्रालय समन्वय, तकनीकी विशेषज्ञता की कमी, परियोजना मंजूरी में देरी आदि, आगे की राह जो हम बताना चाहेंगे, वित्त प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण के रूप में विकासशील देशों, विकसित देशों के पर्याप्त सहायता सुनिश्चित करना, विकासशील देशों के लिए वर्ष 2050 कार्बन स्पेस खाली करने के लिए विकसित देशों के निवल ऋणात्मक उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता है। अक्षम कोयला संयंत्रों को समाप्त करके और नए निर्माण ना करके कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, निवल शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों के लिए रणनीति विकास करना, उत्सर्जन में कमी करने के लिए ऊर्जा गहन क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करना। आगे देखा जाएगा जलवायु परिवर्तन और समझौते, क्लाइमेट चेंज एंड एग्रीमेंट्स। जलवायु परिवर्तन वार्ताएं एक नज़र में देखा जाना चाहिए। एक अंतर सरकारी राजनीतिक मुद्दे के रूप में जलवायु परिवर्तन का उद्भव 1972 में स्टॉकहोम जो स्वीडन में है हुए पहले अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिखर सम्मेलन है में पर्यावरण का मुद्दा वैश्विक स्तर पर पहुंचा, लेकिन यह विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित नहीं था। उन्नीस सौ सत्तर के दशक के अंत में विश्व मौसम संगठन WMO WMO द्वारा विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन के संबंध में चिंता व्यक्त की गई। 1972 से 1988 के बीच में वर्ष 1979 में प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन और वर्ष 1988 में जलवायु परिवर्तन पर टोरंटो सम्मेलन जलवायु परिवर्तन को एक राजनीतिक मुद्दे के रूप में देखा गया। 1988 में जलवायु परिवर्तन और संभावित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं पर वैज्ञानिक साक्ष्यों की जांच एवं रिपोर्ट करने के लिए IPCC की स्थापना की गई। उन्नीस सौ बानवे जलवायु परिवर्तन पर पहला वैश्विक समझौता UNFCCC रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए प्रस्तुत किया गया। 2005 में क्वेटो प्रोटोकॉल लागू हुआ। 2015 क्योटो प्रोटोकॉल एक अनुवर्ती समझौता बेरी समझौता अपनाया गया। वर्तमान वाद विवाद और मुद्दे ग्लासगो के COP26 से आगे वर्ष 2030 के एनडीसी 1.5 डिग्री के लक्ष्य को पूरा करने में पूरी तरह से अपर्याप्त है। जलवायु वित्त से जुड़े मुद्दे, अपर्याप्त योगदान, इसमें
2030 में जो एनडीसी को कम करने के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें कमी करने के पीछे ये सब कारण हैं, मुद्दे हैं: अपर्याप्त योगदान, विकासशील देशों का धन मिलने में अत्यधिक देरी, अन्य कठिनाइयाँ, अनुदान आधारित वित्त की कमी, वैश्विक वैश्विक जलवायु वित्त का संबंध गतिविधियों की ओर अधिक झुकाव आदि। निष्पक्ष और इक्विटी संबंधी मुद्दे सामान्य लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत को कमजोर किया है। हानि और क्षति के लिए समर्पित वित्त पोषण तंत्र का अभाव। जीवाश्म ईंधन के खिलाफ, जीवाश्म ईंधन के खिलाफ विकास संबंधी जरूरतों को आदि को बाधित कर सकती है। क्योटो प्रोटोकॉल की कार्बन क्रेडिट पहल को आगे बढ़ाना नहीं और मजबूत परिस्थितियों सॉरी परियोजनाओं को हतोत्साहित कर सकता है। उत्सर्जन में कमी के लिए क्षेत्र विशिष्ट लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का अभाव है। आगे की राह जो बताया गया है, देश को वर्ष 2002 तक मजबूत और बाध्यकारी राष्ट्रीय कानूनों के साथ अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने की जरूरत है। उच्च उत्सर्जन वाले क्षेत्रों में दूरगामी बदलाव की आवश्यकता है। उच्च उत्सर्जन वाले क्षेत्रों में दूरगामी बदलाव की आवश्यकता है। कार्बन को हटाने की तकनीकी और वित्त का तत्काल विस्तार करने की आवश्यकता है। डेडिकेटेड ग्लासगो लॉस एंड डैमेज फैसिलिटी की स्थापना की जाए। इसका निर्माण वर्ष 2013 के वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म के प्रयासों पर आधारित हो सकता है। इसका मूल्यांकन किया जाए कि क्या राष्ट्र अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहे हैं। साथ ही उत्सर्जन को कमी लाने के लिए नए लक्ष्यों निर्णय लेने हेतु मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। देश स्वेच्छा से क्योटो प्रोटोकॉल प्रावधानों के तहत माइन परियोजनाओं के लिए क्रेडिट का उपयोग करने से बच सकते हैं। वर्तमान वाद विवाद मुद्दे ग्लासगो COP26 से आगे भारत के हित में घरेलू विकास के लिए पर्याप्त नीतिगत स्पेस, कार्बन स्पेस के साथ प्रारंभ एवं महत्वाकांक्षी वैश्विक जलवायु कार्रवाई। भारत का रुख अंतर्राष्ट्रीय वार्ता को निरंतर समर्थन और पर्यावरण जिम्मेदारियों को लेकर जागरूकता बढ़ाना। समानता के मूलभूत सिद्धांत साझा किंतु अलग अलग जिम्मेदारियों और रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी में विश्वास मांगे। विकसित देशों को वैश्विक कार्बन बजट और इक्विटी पर IPCC के सुझावों को स्वीकार करना चाहिए तथा उत्सर्जन में तेजी से कमी करना चाहिए। विकसित देशों से जलवायु वित्त के रूप में $1 ट्रिलियन का वित्त पोषण। जितने भी विकसित राष्ट्र हैं उसको उन सभी को $1 ट्रिलियन का वित्त पोषण किया जाना चाहिए। जलवायु परिवर्तन वार्ताओं को आकार देने में भूमिका, भारत एक रोल मॉडल की तरह नेतृत्व कर रहा है। वह विकासशील देशों के हित में प्रतिनिधित्व करता है और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए वैश्विक मार्ग प्रदान करता है। शुरू की गई पहलें क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर, ये सब सारी अलग अलग पहलें हैं। इनिशिएटिव फॉर द रिजिलियंट आइलैंड स्पेस आदि। वर्तमान स्थिति, अभी भारत में 2030 के लिए अपने अपडेटेड NDC लक्ष्यों को UNFCCC के सम्मुख प्रस्तुत करेगा। इसके जलवायु परिवर्तन लक्ष्य और नीतियां पेरिस समझौते के तहत वैश्विक तापमान वृद्धि में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की सीमित रखने के लिए अत्यधिक अपर्याप्त है।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 26वां कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP26 सुर्खियों में क्यों है? COP26 सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में UNFCCC के 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज का आयोजन यूके के ग्लासगो में संपन्न हुआ। अन्य संबंधित तथ्य, इस सम्मेलन के साथ दो और सम्मेलन हुए। पहला सम्मेलन जो हुआ क्वेटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों की बैठक का 16वां सत्र, CMP16 या पेरिस समझौते के पक्षकारों की बैठक का तीसरा सत्र, CMA3। दूसरा पॉइंट, यह सम्मेलन ग्लासगो जलवायु समझौते GCP पर सहमति के साथ संपन्न हुआ। GCP को UNFCCC के सभी 197 पक्षकारों का समर्थन प्राप्त था। यह एक वैश्विक समझौता है जो इस दशक में जलवायु जलवायु संबंधी कार्रवाई में तेजी लाएगा और पेरिस नियम पुस्तिका को पूरा करेगा। इस समझौते का उद्देश्य 2030 तक ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस वर्ष 2015 के पेरिस समझौते के तहत सहमत तक सीमित करना है। साथ ही वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 2030 तक 45% की कटौती और वर्ष 2050 तक समग्र रूप से शून्य स्तर पर प्राप्त करना है। ग्लोबल वार्मिंग को जो कम करने के लिए लक्ष्य रखा गया है पूरी तरह से, 2030 तक ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम कर देना है, सीमित कर देना पूरी तरह से, तथा साथ में वैश्विक वैश्विक ग्रीन हाउस में 2030 तक 45% की कटौती करना है और वर्ष 2050 तक समग्र रूप से शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना है। वहीं इंडिया ने कितना लक्ष्य रखा है, इंडिया ने कितना लक्ष्य रखा है, 2070 तक लक्ष्य रखा है कि पूरी तरह से जीरो कर दिया जाएगा ग्लोबल। विश्व के सभी देशों ने लक्ष्य जो रखा है 2050 तक रखा है, लेकिन इंडिया ने समय मांगा है 2070 तक कम करने की संभावना व्यक्त की गई है। COP26 प्रमुख निष्कर्षों पर एक नज़र। चर्चा के क्षेत्र, महत्वपूर्ण निर्णय और प्रगति, महत्वाकांक्षा। COP26 के समापन तथा 153 देशों द्वारा 2030 तक अपने उत्सर्जन को कम करने के लिए नई जलवायु योजनाएं, इसे राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान या NDC के रूप में जाना जाता है, प्रस्तुत की जाएगी। देशों से वर्ष 2020 के अंत तक जलवायु संबंधी अन्य प्रतिबद्धताओं पर फिर से विचार करने और उन्हें मजबूत करने के लिए अनुरोध किया गया है। जीवाश्म ईंधन के विरुद्ध लक्षित कार्रवाई। इस कॉप के तहत पहली बार जीवाश्म ईंधन के विरुद्ध कार्रवाई को स्पष्ट रूप से लक्षित करने हेतु निर्णय लिया गया है। इसके तहत कार्बन कैप्चर और संचयन के बिना दहन किए जा रहे कोयले के उपयोग को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने और अकुशल जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। अनुकूलन, देशों में वर्ष 2025 तक वर्ष 2019 के स्तर से अनुकूल हेतु जलवायु वित्त के अपने सामूहिक प्रावधान को कम से कम दोगुना करने का आग्रह किया गया है। क्या बोला गया है इसमें?
वर्ष 2025 तक वर्ष 2019 के स्तर में अनुकूलन हेतु जलवायुविद के अपने सामूहिक प्रावधान को कम से कम दोगुने करने हेतु आग्रह किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुकूलन निधि के लिए 356 मिलियन डॉलर की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी, जो इस निधि के लिए सबसे अधिक एकल रूप से जुटाई गई निधि थी। इस निधि का लाभ यह है कि यह विशेष रूप से अनुकूलन संबंधी परियोजनाओं पर केंद्रित है। साथ ही यह गरीब देशों को ऋण प्रदान करने के बजाय 100% अनुदान पर आधारित है। अनुकूलन संबंधी वैश्विक लक्ष्य पर शर्म अल शेख कार्यक्रम, इसका जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के संबंध में सुभेदता कम करना है, लचीलेपन को मजबूत करना और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को अनुकूलित होने में और लोगों और हमारे ग्रह की क्षमता को बढ़ाना है। अनुच्छेद 6 के तहत अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार, अनुच्छेद 6 में जिसमें पेरिस समझौते के बाजार और गैर बाजार आधारित तंत्र शामिल है को अंतिम रूप दिया गया है। इस अनुच्छेद में संबंध में प्रमुख निर्णयों में शामिल है। वर्ष 2013 से क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सृजित कार्बन क्रेडिट 320 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य की राशि को आगे बढ़ाते हुए पेरिस तंत्र में शामिल पेरिस तंत्र में शामिल किया जाएगा, लेकिन वर्ष 2030 तक इसका उपयोग करना होगा। वर्ष 2013 से क्योटो प्रोटोकॉल के तहत सृजित कार्बन क्रेडिट को आगे बढ़ाते हुए पेरिस तंत्र में शामिल किया जाएगा, लेकिन वर्ष 2030 तक इसका उपयोग करना होगा। पारंपरिक बाजार तंत्र अनुच्छेद 6.4 के तहत आय के 5% का उपयोग अनिवार्य रूप से अनुकूलन संबंधी गतिविधियों के वित्त पोषण में किया जाना चाहिए। देशों के मध्य कार्बन क्रेडिट के द्विपक्षीय व्यापार के तहत अनुकूलन के लिए धन का योगदान अनुच्छेद 6.2 स्वैच्छिक है। दोहरी गणना से बचना, जिसमें एक से अधिक देश अपनी जलवायु संबंधी गतिविधियों की गणना करते हुए उत्सर्जन में एक ही कमी का समान रूप से दावा कर सकते हैं। REDD+ नामक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के तहत निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण में कमी से वर्ष 2015 और 2021 के दौरान ऐतिहासिक रूप से सृजित कार्बन क्रेडिट के उपयोग का बहिष्कार किया गया है। हानि और क्षति, लॉस और डैमेज, हानि और क्षति हेतु वित्त पोषण के लिए ग्लासगो डायलॉग की शुरुआत की गई है। विकसित देशों ने UNFCCC द्वारा स्थापित एक वेबसाइट सेंटियागो नेटवर्क का समर्थन करने के प्रति इस प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस वेबसाइट पर विकास बैंकों जैसे संगठनों के लिए लिंक है जो हानि और क्षति, जलवायु कार्रवाई और समर्थन संबंधी पारदर्शिता पर नियम
सभी देश प्रारूपों और तालिकाओं के एक साझा और मानकीकृत समुच्चय का उपयोग करके अपने उत्सर्जन और वित्तीय तकनीकी एवं क्षमता निर्माण संबंधी समर्थन के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने पर सहमत हुए हैं। साझा समय सीमा, देशों को उनकी राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताओं के लिए साझा समय सीमा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसका आशय है कि देशों द्वारा 2025 में प्रस्तुत किए जाने वाली NDC के लिए समाप्ति तिथि वर्ष 2035 और 2030 में प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिबद्धताओं के लिए समाप्ति तिथि और 2040 को तिथि वर्ष 2040 होनी चाहिए। स्वैच्छिक संकल्प घोषणा पत्र और एजेंडा, भारत ब्रेकथ्रू एजेंडे का हस्ताक्षर करता है या एजेंडा उत्सर्जन क्षेत्र में वहनीय और आसानी से प्राप्त की जा सकने वाली स्वच्छ प्रौद्योगिकियों तथा अस्थायी समाधानों से संबंधित है। इसके अलावा भारत के कारों और वन में 100% शून्य उत्सर्जन तक परिवर्तन के तौरन घोषणा पत्र भी हस्ताक्षर किए हैं घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर किए हैं। अन्य हो गया ग्लोबल मिथेन प्लेज, ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉलिसी एक्शन एजेंडा बियॉन्ड ऑयल एंड गैस अलायंस BOGA, फॉरेस्ट एग्रीकल्चर एंड कमोडिटी ट्रेड स्टेटमेंट FSCT आदि। संबंधित अवधारणा अनुच्छेद 6 के तहत बाजार और बाजार आधारित तंत्र है, इसमें आपको बताना चाहेंगे। इसमें महत्वाकांक्षा बढ़ाने के व्यापक उद्देश्य के साथ जलवायु संबंधी लक्ष्यों की दिशा में स्वैच्छिक सहयोग के लिए 3 अलग अलग तंत्र शामिल हैं। इसमें से 2 तंत्र बाजारों पर आधारित है जबकि तीसरा बाजार दृष्टिकोण पर आधारित है। अनुच्छेद 6.2 अनुच्छेद 6.2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार समन परिणामों TMO के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को अभिशासित करता है। अनुच्छेद 6.4 या विश्व में कहीं भी सार्वजनिक या निजी क्षेत्रक द्वारा उत्सर्जन में कटौती से संबंधित कार्बन के व्यापार हेतु एक नए अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसे सतत विकास तंत्र SDM सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है हाँ मैकेनिज्म ये आपका हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म के रूप में जाना जाता है। अनुच्छेद 6.8 उन देशों के बीच जलवायु सहयोग के लिए एक औपचारिक ढांचा प्रदान करता है जहां किसी प्रकार का कार्बन व्यापार नहीं होता है, जैसे विकास संबंधी सहायता। पेरिस समझौते के मुख्य पहलू हैं उसको देखा जाएगा। दीर्घकालीन लक्ष्य रखा गया है वैश्विक औसत में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, जैसे कि इसे रखना है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे बनाए रखने के प्रयासों को आगे बढ़ाना है। वैश्विक जलवायु तटस्थता है 2050 तक वैश्विक स्तर पर निवल शून्य उत्सर्जन तक बढ़ाना, समन मिटिगेशन उपर्युक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC तैयार करने, संवाद करने और बनाए रखने के लिए सभी पक्षों द्वारा बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं जिन्हें हर 5 साल में अपडेट किया जाएगा। वैश्विक सर्वेक्षण समझौते के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में वर्ष 2023 में और उसके बाद हर 5 साल में सामूहिक प्रगति का आकलन करना होगा।
स्वैच्छिक सहयोग और बाजार और गैर बाजार आधारित दृष्टिकोण अनुच्छेद 6, हानि और क्षति का आकलन करना, वित्त प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण में सहायता के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF को शामिल किया गया है, गैर प्रतिकूल और गैर दंडात्मक तरीके से कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना और अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए पारदर्शिता, कार्यान्वयन और अनुपालन ढांचा बनाने के लिए ज़रूरत है। ये सब सारे पेरिस समझौते के मुख्य पहलू थे। आगे की ओर देखा जाता है, दूसरा टॉपिक है वो है आपका स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन के 50 वर्ष सुर्खियों में क्यों है, ये स्टॉकहोम सम्मेलन आखिर क्यों सुर्खियों में है। हाल ही में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम कहाँ पर है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्टॉकहोम प्लस 50 का आयोजन किया गया है। इसे 1972 के मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। UNCHE को स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन में पहली बार पर्यावरण को एक गंभीर वैश्विक मुद्दे के रूप में स्वीकृत किया गया था। अन्य स्टॉकहोम प्लस 50 की थीम जो रखी गई है वो थीम बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी की समृद्धि के लिए एक स्वस्थ पृथ्वी हमारी जिम्मेदारी हमारा अवसर, क्या है इसका थीम, थीम जाना जरूरी है क्योंकि ये थीम पूछे जाते हैं अक्सर एग्जामों में। इसका थीम जो दिया गया है, सभी की समृद्धि के लिए एक स्वस्थ पृथ्वी हमारी जिम्मेदारी हमारा अवसर। स्टॉकहोम प्लस 50 का एजेंडा जो रखा गया है, पृथ्वी की रक्षा के लिए अनुभवों और पहलों को साझा करना, COVID-19 महामारी के बाद से संधारणीय एवं समावेशी रिकवरी करना। आगे की ओर देखा जाए तो स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में आपको बताना चाहेंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र का पहला प्रमुख सम्मेलन था। यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण राजनीति के विकास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। इसका आयोजन वर्ष 1972 में किया गया था। इसका उद्देश्य संधारणीयता को बढ़ावा देना और पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए वैश्विक प्रयासों को एकजुट करना था। इसकी जो थीम थी, केवल एक पृथ्वी, वनली अर्थ, क्या था, ओनली वन अर्थ। स्टॉकहोम घोषणा पत्र में 26 सिद्धांत दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, 26 सिद्धांत दिए गए हैं आपको। 26 सिद्धांत के बारे में बताया गया है और कार्य योजना थी। इस घोषणा पत्र में 122 देशों द्वारा अपनाया गया था, कितने देशों द्वारा, 122 देशों द्वारा इसको अपनाया गया था। स्टॉकहोम सम्मेलन तक गर्मी की प्रगति, CO2 के स्तर में दोगुनी वृद्धि से वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। देख लीजिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में दोगुनी वृद्धि से वैश्विक तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, ठीक है, 1965 में आपका देखिए रखा गया था। US साइंस एडवाइजरी कमेटी के वायुमंडलीय तापमान की वृद्धि में मानव द्वारा उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड की भूमिका को उजागर किया। CO2 के स्तर के दोगुनी वृद्धि से वैश्विक तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा 1968 में। देखिए क्या हो गया, पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में वैश्विक साक्ष्यों के आधार पर जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की गई।
1968 में 1968 स्वीडन के स्टॉकहोम सम्मेलन का प्रस्ताव दिया स्वीडन में पहले। इस सम्मेलन के 3 निम्नलिखित आयाम थे। पहला आयाम था देशों के बीच एक दूसरे के पर्यावरण या अपने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों को नुकसान नहीं पहुंचाने पर सहमति। पृथ्वी के पर्यावरण के लिए खतरों के बारे में अध्ययन करने हेतु एक कार्य योजना का निर्माण करना तथा देशों के बीच सहयोग स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP नामक अंतर्राष्ट्रीय निकाय की स्थापना करना। UNEP के तत्वावधान में बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता। इस समझौते में बताया गया है सभी 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। उन्नीस सौ 1971 में रामसन कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। 1972 में कन्वेंशन फॉर द प्रोटोकॉल ऑफ द वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज। ये सारे समझौताएँ तैयार किए गए हैं। 2013 में मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी पारे पर मिनीमाता अभिसमय इसको लाया गया 2013 में। 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को लाया गया था। 1994 में यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिटर्टिफिकेशन इसको लाया गया था। तरह तरह की इसी तरह हर ईयर में लाया गया है पर्यावरण समझौते के तहत UNEP के तहत। आगे की ओर देखते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन परिणाम में उसकी सफलता। UNEP की स्थापना इसकी स्थापना स्टॉकहोम सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई थी। UNEP एक वैश्विक प्राधिकरण है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। इसके कार्यों पर ध्यान दिया जाए। पर्यावरण संबंधी एजेंडा निर्धारित करना। संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली में संधारणीय विकास के संबंधित पर्यावरणीय आयाम के सुसंगत कार्यान्वयन को बढ़ावा देना तथा वैश्विक पर्यावरण के सुरक्षा के लिए एक समर्थन के रूप में कार्य करना। व्यापक बदलाव इस सम्मेलन के प्रस्ताव में समकालीन पर्यावरणीय युग की शुरुआत हुई। इसने कई मायनों में पृथ्वी या पर्यावरण को लेकर जन्मी चिंताओं की बहुपक्षीय गवर्नेंस को मुख्यधारा में शामिल किया। इसके परिणाम स्वरूप पिछले 50 वर्षों में 500 से अधिक बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौते को अपनाया गया। पर्यावरण पृथ्वी के पर्यावरण के से संबंधित चिंताओं को संबोधित करने वाले अधिकांश कन्वेंशन या समय अभिसमय स्टॉकहोम घोषणा पत्र की ही देन है। इसमें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD और जैविक विविधता पर अभिसमय CBD आदि शामिल है। स्टॉकहोम सम्मेलन में संधारणीय विकास के थीम को निर्धारित किया है। यही थीम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी प्रयासों और वातावरण सॉरी वार्ताओं का केंद्रीय आधार रही है। स्टॉकहोम सम्मेलन के 20 वर्ष बाद 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED का आयोजन किया गया। इसे पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाना जाता है। अर्थ समिट का किससे नाम जाना जाता है UNCED को जो 1992 में लाया गया था। कितना 1992। इसका आयोजन रियो डी जेनेरियो में किया गया था। इसके तहत वैश्विक एजेंडे में प्रमुखता से संधारणीय विकास को अपनाने पर जोर दिया गया था। संधारणीय विकास से
आज से भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने से है। प्रमुख सिद्धांतों की स्थापना। एहतियाती सिद्धांत। ओजोन परत के क्षरण के लिए वियना कन्वेंशन का आयोजन वर्ष 1985 में किया गया था। पहला बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता MEA है, जिसके एहतियाती उपायों को संहिताबद्ध किया गया है। प्रदूषणकर्ता द्वारा भुगतान का सिद्धांत PPP, या प्रदूषण पैदा करने वाले वालों के लिए प्रदूषण के संबंध में लागत को वहन करना अनिवार्य है। इससे मानव और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को बचाया जा सकता है। बहुहितधारक दृष्टिकोण। इसके तहत संधारणीय विकास के क्षेत्र में कई हितधारकों को शामिल करते हुए व्यापक भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। इन हितधारकों में गैर सरकारी संगठन, देशज लोग, वैज्ञानिक समुदाय, निजी क्षेत्र शामिल है। इसके साथ ही इसके द्वारा पर्यावरण फोरम की स्थापना की गई। पर्यावरण कूटनीति की शुरुआत। इसके कारण पूरे विश्व में लगभग सभी देशों में पर्यावरण संबंधी मंत्रालयों की स्थापना हुई। वर्ष 1972 तक किसी भी देश में पर्यावरण संबंधी मंत्रालय स्थापित नहीं किया गया था। भारत में पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्थापना 1985 में की गई थी। ये कुछ आपके क्लियर किए गए हैं। UNFCCC का जो मतलब है बताया गया है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है। UNCC। चलिए आज यहीं समाप्त करते हैं।